गाइस पिछली क्लास में हमने जो है वर्क्स तक पढ़ लिया था और हमने कहा था कि नेम ऑफ फ्लावर्स से स्टार्ट करेंगे। तो आज हमारी वोकैबुलरी इसका डिफाइन है, तो आज हम सब नेम ऑफ फ्लावर्स से स्टार्ट करेंगे। फूलों के नाम देखिए, रोज यानी कि गुलाब, लोटस मतलब होता है कमल, मैरीगोल्ड मतलब होता है गेंदा, लील मुस्ता लील यानी उसको कौन से बोल सकते हैं कुमुदिनी, रिकॉर्ड होता है सनफ्लावर मतलब सूर्यमुखी, जैस्मिन यानी चमेली, डैफोडिल मतलब पीला नारकिस, डेसी एक प्रकार का फूल गुलबहार, डालिया रंगीन फूलों का पौधा, पैंसी फांसी कासरी। ठीक है, ये कॉमन टूल्स हैं सामान्य औजार, ठीक है, जिसका हम सब यूज करते हैं, एक्स कुल्हाड़ी, टोंग्स चिमटा, हैमर होता है हथौड़ा, स्क्रू ड्राइवर मतलब होता है पेचकस, प्लायर्स एंड प्लास स्किजर्स एंड कैची, अरे कि ध्यान रखिए इसको स्किजर नहीं बोलेगा, उसको बोलेगा सीजर्स, सीजर्स ठीक है, सीजर्स सीजर्स बोलेगा उसको, चूँकि ये किस पे लग रही है लग रहा है सीजर्स ठीक है सर, यानी कैची, ईडर मतलब सुई, नाइफ मतलब चाकू, सॉन्ग मतलब आरा ठीक है, सिकर मतलब हसिया, सोवल मतलब कि मेलना, स्प्रेड मतलब कुदाल, स्पैनर मतलब रिंच या हथकर, पेन मतलब कलम, ब्रश मतलब ब्रश, कार्बोमीटर मतलब थर्मोमीटर मतलब थर्मामीटर, अम्ब्रेला मतलब छाता, कैमरा मतलब कैमरा, सांपर मतलब पेंसिल से बोले या सांपर भी बोलते हैं इसको, ठीक है, आप सांपर बोले या फिर एल एच ए आर पी ई आर एल ई आर बोल रहे हैं यार सांपर बोले। देखिए अगर ये गेम्स यानी स्पोर्ट्स यानी क्रिकेट, अगर ये फुटबॉल यानी फुटबॉल, हॉकी यानी हॉकी, बैडमिंटन यानी बैडमिंटन, फिर वॉलीबॉल ठीक है, वही इसको बोलेंगे टेबल टेनिस, और ये नहीं है लॉन टेनिस, चेस मतलब शतरंज, वैसे कहूँ तो शतरंज है ना, कहते हैं कि जुआ जैसा होना ठीक है, तो चेस में तो नहीं खेला चाहिए, शतरंज जो हो उन लोग खेलते रहता है, ये जुआ कहते हैं जैसे उसको, उसको जुआ भी बोल सकते चेस को आप, बास्केटबॉल मतलब बास्केटबॉल को उसको देखिए इसको गोफ बोलेंगे ठीक है, इसको गोल्फ नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे गोफ ठीक है, या गलत लिखा है कबड्डी यानी कबड्डी ठीक है, अगर इसको पकड़ लेता रेखा के बाहर रेखा को नहीं छू, अगर रेखा को छू लिया तो वो जीत गया, नहीं छू पाया तो हार गया, टाइम नहीं था उसका ठीक है, बॉक्स यानी मुक्केबाजी बोल सकते हैं, और देखिए रेस्टलिंग यानी कि कुश्ती, काइट फ्लाई मतलब पतंगबाजी, स्विमिंग मतलब तैराकी, जिमनास्टिक यानी कि जिमनास्टिक मीन्स होता है जिमनास्टिक, हॉर्स राइडिंग यानी घुड़सवारी, तगफुआ रस्सा रस्सी कसी ठीक है, यानी दोनों तरफ से ना खींचना ठीक है, तगफुआ, और स्केटिंग मतलब स्केटिंग होता है बो पीप यानी लुका छिपी, या बोल सकते हैं मतलब हाइड एंड सीक ठीक है, जो पीप और पी के मतलब होता है झांकना ठीक है, ब्लाइंड मैन बफ यानी कि आँख बिचोनी ठीक है, आँख बिचोनी, आगे लिखिए डोमेस्टिक एनिमल्स यानी घरेलू जानवर ठीक है, जो मतलब जिसको पालतू जानवर भी कह सकते हैं, डॉग यानी कुत्ता, कैट बिल्ली, काम उसका गाय जानते ही होंगे आप सब, इसको हम सब कह सकते हैं, ऑक्स मतलब बैल, म्यूल मतलब खच्चर, एस इसको मतलब एस बोलते हैं, गधा ये होता है हॉर्स, मतलब यार इसको हॉर्स नहीं बोलो, इसको बोलेंगे हॉर्स ठीक है, हॉर्स क्योंकि आर्क में मॉबेल है, हॉर्स यानी घोड़ा, एलिफेंट मतलब हाथी, कैमल मतलब होता है ऊंट, और बफेलो मतलब होता है भैंस, गोट मतलब होता है बकरा या बकरी, यानी गोट जो है कॉमन जेंडर है ठीक है, कॉमन जेंडर मतलब कॉमन ऐसा नहीं है, ऐसा कोई एनिमल है जिसमें दोनों आ सकता है, मस्कुलिन भी और फेमिनिन भी, पुरुष भी और स्त्री भी इस तरह से ठीक है, ये है यहाँ पर। हाँ तो अब देखिए आगे देखिए क्या है, सीप यानी कि भेड़,
ये भेड़ जो होता है वाइल्ड एनिमल होता है, जंगली जानवर जो किसको जिसको पाल रखवाल के लिए सकते हैं, लायन जिससे जो कि सब जू में रहते हैं, ठीक है, जू में, टाइगर मतलब बाघ, डियर, हिरण। वैसे अब मैं आप सबके कंफ्यूजन दूर कर दूँ, बहुत लोगों को लगता है कि जंगल का राजा क्या होता है, बाघ होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि बाघ और शेर एक ही है, लेकिन मैं अगर कहूँ तो असलियत में लायन जो है वही किंग है फॉरेस्ट का, टाइगर नहीं, ठीक है, टाइगर भी उसके ना प्रजाति है जैसा ही है, ठीक है, प्रजाति का है लेकिन सिर्फ तो वो नहीं है राजा, ठीक है। अगर देखिए डियर यानी कि हिरण, जेबरा मतलब जेबरा यानी एक प्रकार का घोड़ा ही कह सकते हैं जेबरा को, ये मतलब लंगूर, मंकी मतलब बंदर, कंगारू मतलब कंगारू, और ध्यान दीजिए जेबरा पहले ना मतलब कि आप इतना नहीं दिखता है, मतलब एक्सटिंक्ट हो गया क्योंकि इन्होंने अपने आप को एडॉप्ट नहीं किया था, ठीक है, वो भी जानवर तभी एक्सटिंक्ट हो सकता है यानी लुप्त हो सकता है जब तक वो अपने आप को एडॉप्ट ना करे, ठीक है। मंकी मतलब बंदर, कंगारू मतलब कि कंगारू, जिराफ मतलब जिराफ, उसका अलग कोई नाम नहीं है मीनिंग, ये मतलब सुअर, मतलब सब हाइना मतलब लकड़बग्घा, जैकाल मतलब जैकाल मतलब सियार, मंगूस नेवला, रेड मतलब चूहा, पॉक्स मतलब लोमड़ी, बियर मतलब भालू, ठीक है, इस तरह से। वैसे बियर का एक और मतलब होता है जन्म देना, ठीक है, और इसका एक और मतलब होता है सहन करना, ठीक है, सहन करना, ठीक है, इस तरह से। कॉमन बर्ड यानी सामान्य चिड़िया, क्रो यानी कौवा, पैरट पैरट बोलते हैं, ठीक है, तोता, स्पैरो यानी गौरैया, हेर मतलब मुर्गी, डक यानी बत्तख, घूस यानी हंस, ठीक है, अरे स्वान, स्वान मतलब राजहंस और बत्तख, ओल मतलब उल्लू, वल्चमस गिद्ध, पिकॉक मिन्स मोर, ईगल मिन्स गरुड़, पिजन मिन्स कबूतर, फॉल मिन्स मुर्गी, ये उसको हम सब उसके लिए उसका रखते हैं, मुर्गी का लेकर अलग वर्ड भी होता है, मुर्गा का लेकर मुर्गे का लेकर अलग वर्ड भी होता है, इनके जगह रूस्टर, ठीक है, रूस्टर वर्ड यूज़ कर सकते हैं, क्या वर्ड होता है वो रूस्टर, ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको, रूस्टर वर्ड होता है, ठीक है, उसका हेड के लिए हम सब यूज़ करते हैं मुर्गी के सेंस के लिए, लेकिन उसी के जगह हम सब रूस्टर भी यूज़ कर सकते हैं, रूस्टर, ROOSTER करके, ठीक है, इस तरह से होता है, ठीक है, तो ठीक है, हाँ किधर ये, हाँ फोल फोल मतलब मुर्गी, सर मतलब मुर्गा बोलते हैं, ठीक है, मुर्गा के लिए मतलब कि ना दो वर्ड मतलब तीन वर्ड होता है, फोल, रूस्टर और हैर, बैट, बैट के लिए चमगादड़, ठीक है, वो लोग चमगड़ा कदड़ा भी बोलते हैं, ठीक है, बैट मतलब ये चमगादड़, ऑस्ट्रिच मतलब शुतुरमुर्ग, और हॉक मतलब बाघ, डू मतलब पंडू, और कुकू मतलब कोयल, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में से वाटर एनिमल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इस तरह से फिलहाल के लिए इतना ही।